अभी हम लोग 6 सदस्यों की टीम 14 तारीख को इस घटना के जांच टीम के रूप में हम लोग वहाँ पहुँचे। उसके पहले भी कई टीमें वहाँ जांच करने के लिए जा चुकी थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट अलग अलग तरीके से पेश की है। हम लोगों ने कोशिश की कि आम लोगों से ज़्यादा बातचीत करें और वहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करें, और सिर्फ उपद्रव को एक घटना तो बहुत बड़ी घटना हुई, इसके पीछे की तमाम पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करें, और जो भी पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको भी आप लोगों के बीच लाने की कोशिश करें। तो जो एक रिपोर्ट हम लोगों के द्वारा तैयार की गई है, मैं उसको आपके बीच रखता हूँ कि पृष्ठभूमि आप लोगों को मालूम है। 3 दिसंबर 2018 की सुबह बुलंदशहर ज़िले के महाव गांव के पास एक खेत में गौकशी करते हुए देखे जाने और खेतों में गायों के कंकाल देखे जाने की बात को फैलते देर नहीं लगी। कुछ देर में ही लगभग 200 से ज़्यादा लोग खेतों में जमा हो गए। कथित तौर पर गाय का कंकाल मिलने के बाद गांव वालों के अंदर गुस्सा और उत्तेजना तो फैलने लगा, जिसमें हिंदू संगठनों के स्थानीय सदस्य और कार्यकर्ता योगेश राज और शिखर अग्रवाल आग में घी डालने का काम कर रहे थे। लोगों को उकसाया जा रहा था। धीरे धीरे आसपास के गांव वाले भी वहां जमा होने लगे। 10:30 बजे तक इनकी तादाद 300 से भी ज़्यादा हो गई। सैकड़ों लोगों ने हाईवे पर स्थित चिंगरावटी पुलिस चौकी को घेर लिया। उस समय चौकी में केवल 6 लोग थे। चौकी में मौजूद पुलिस वालों ने फौरन पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भेजने का अनुरोध किया। सियाना थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्होंने अपने ड्राइवर राम आसरे को घटनास्थल पर चलने का आदेश दिया। लगभग 11 बजे के आसपास वे घटनास्थल पर पहुंचे और योगेश राज के कहे अनुसार गौकशी का FIR भी दर्ज किया और कार्रवाई का भरोसा भी दिया। उन्होंने नारे लगाती और जाम कर रही भीड़ के बीच जाकर भीड़ को आश्वस्त करने की कोशिश भी की और कहा कि इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन लगातार उकसावे और योगेश राज के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के अड़ियल रवैये की वजह से भीड़ का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उकसावे से जल्दी ही भीड़ अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बीच बीच में फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। कईयों का कहना था कि बजरंग दल के योगेश राज और भारतीय जनता युवा मोर्चा के शिखर अग्रवाल लगातार लोगों को हिंसक होने के लिए उकसा रहे थे। गोली चलने की आवाज़ के बीच एक युवक सुमित की मौत हो गई। अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस अधिकारी सुबोध सिंह की भी हत्या कर दी। सुबोध सिंह को न सिर्फ आंखों के पास गोली मारी गई, बल्कि गोली लगने के बाद भी उन्हें बेरहमी से पीटा जाता रहा। उनके सर पर पथराव किया गया। उनके साथ पुलिस जीप में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। बजरंग दल के नेता योगेश राज द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में गौकशी के आरोप में 7 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें 2 बच्चे भी थे। बाद में पुलिस ने उनके नाम हटा लिए। 4 लोग घटना के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिए गए। इन आरोपियों में कुछ ऐसे लोग भी नामजद किए गए जो वर्षों पहले ही गांव छोड़कर जा चुके हैं। 20 दिन बाद पुलिस ने उन 4ों को मामले में शामिल न मानते हुए रिहा कर दिया और अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी FIR में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी योगेश राज को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस बीच सुबोध सिंह और सुमित के परिवार वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मिश्र से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो आधिकारिक रूप से सुबोध सिंह के हथियारों का पता पुलिस लगा पाई है और न ही सुमित के हथियारों का। इस बात की भी आधिकारिक सूचना नहीं है कि खाली पड़े खेत पर गाय के कंकाल किसने डाले। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि 1 से 3 दिसंबर तक बुलंदशहर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर दरियापुर में इस साल का इज्तिमा सुन्नी मुसलमानों की वार्षिक धर्म सभा हुआ था। 10 लाख से ज़्यादा भीड़ वाले इस इज्तिमा को बदनाम करने
और देश भर में अंतर धार्मिक तनाव पैदा करने की नीयत से महा की वारदात को अंजाम दिया गया। नेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तथ्यान्वेषी रपट, जो हम लोगों ने वहाँ तमाम लोगों से बात की, जगहों का दौरा किया, NCHRO की पहल पर दिल्ली के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों की 6 सदस्यीय जांच टीम ने 14 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर जाकर इस वारदात से जुड़े सारे घटनाक्रमों का जायजा लिया। जांच टीम उन सभी स्थानों पर गई जो घटना से संबंधित थे। उन सभी लोगों और अधिकारियों से हाईलाइट तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो हमने पुलिस से जो बात की उसके बाद, तो पुलिस में सबसे पहले हम चिंगरावटी थाने गए, जहाँ पर नए सुरेश कुमार की जगह आए हमारे नए चौकी इंचार्ज थे विजय कुमार। उन्होंने बहुत ही अजीब स्थिति बताई कि उनका काम इस वक्त जो टूट फूट से थाने में नुकसान हुआ है उसको तत्काल ठीक कराकर और जल्दी से थाने को सुधरवा देना है, और जांच के बारे में उनसे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया गया है, और अभी उनकी बात इस रिपोर्ट में जो उन्होंने पर्सनली कही है वो भी इस रिपोर्ट में मौजूद हैं। वहाँ पे एक बात की तस्दीक की गई कि जब जिस खेत में गौवंश के अवशेष पाए जाने की बात कही गई और जहाँ पे भीड़ जमा हुई, वहाँ पे शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने जाके मामला को शांत कराया। महाव गांव के उस खेत में महाव गांव के बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद ये भी तय किया कि, और वहाँ के लोग तैयार भी हो गए थे कि जो गौवंश के अवशेष हैं उसको वहाँ पर दफन कर दिया जाए, क्योंकि ये मामला बहुत बढ़ जाएगा और इज्तिमा उस दिन ख़त्म होने वाला था, और दुआ के बाद बहुत सारे मुस्लिम भाई उसी रास्ते से वापस लौटने वाले थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस मामले को कानूनी कार्रवाई के तहत इन लोगों को संतुष्ट किया जाए और इस मामले को ख़त्म किया जाए। और जो महाव गांव के लोग इस बात को तैयार भी हो गए थे, लेकिन जिन दो लोगों का खास तौर पर नाम लिया जा रहा है, शिखर अग्रवाल और योगेश राज, इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और उनके अवशेषों को ले जाकर चिंगरावटी थाने के ठीक पास चौराहे पे जाम लगा दिया। कुछ ही देर में आसपास के तमाम गांव से, खास करके नया बांस से जहाँ पे योगेश राज का गांव है, जो वहाँ से बहुत सारे लोग हथियारों, डंडों, पत्थरों के साथ ट्रॉली में भर के आए, और जो सुबोध कुमार उस भीड़ को लगातार शांत करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उस पूरे उपद्रव को उग्र और हिंसक बना दिया। हम लोगों ने घटनास्थल का मुआयना किया, जहाँ पे जांच दल ने उपद्रव स्थल चिंगरावटी चौकी, सियाना कोतवाली, महाव गांव, उन सभी जगहों का दौरा किया। गौ कशी के अवशेष पाने की बात जिस खेत में थी, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे पता लगे कि वहाँ पे किसी भी तरह से गौकशी की गई थी, क्योंकि गौकशी जैसे बड़े जानवर को मारे जाने के बाद जो वहाँ पे एक माहौल बनता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और न ही वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो बताने को तैयार थे कि यहाँ पे ऐसी कोई बात हुई है। उनका ये कहना था कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा लगता है कि कहीं से लाके इनको रखा गया था और यहाँ पे कोई गौकशी नहीं की गई थी। जिसमें जब हम लोगों ने सियाना पुलिस थाने में जाकर इस पे वहाँ के पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की, तो जो इंचार्ज हैं हमारे किरण पाल जी, उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि देखिए मुझे किसी आवश्यक काम से बाहर जाना है, तो आप हमारे एक जूनियर अधिकारी को उन्होंने सामने किया और इनसे बात कर लीजिए। उनसे बातचीत के बाद जो बात सामने आई उसमें ये था कि वहाँ पे 27 लोगों को तो उपद्रव फैलाने में नामजद किया गया था, और क्या कुछ है
और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 7 जिन गौकशी के लोगों को के अपराध में नामजद किया गया था उसमें से 4 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें 2 बच्चों को पहले छोड़ चुके थे। उसकी जगह सबसे आश्चर्य की बात है कि उसकी जगह उनसे मिलते जुलते नाम के 2 अन्य लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। हम नया बास गांव पहुँचे, जहाँ से काफ़ी लोग आए हुए भी आज आप लोगों के समक्ष, वहाँ पे जो माहौल पता लगा कि वहाँ पे पिछले जब से योगी सरकार आए हैं तब से उस गांव में योगेश कुमार का घर है, 400 से 500 घर हिंदुओं के हैं, 125 से 150 घर मुसलमानों के हैं। सालों से ये लोग कह रहे थे कि हम लोग ठीक ठाक से शांति से यहाँ इस इलाके में रहते थे, जब से योगी जी का की सरकार आई है तब से पूरा माहौल इलाके में ख़राब करने की कोशिश हो रही है, और खुलेआम इनको धमकियां दी जाती हैं कि भाई आप लोग गांव छोड़कर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, और तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं, प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, मुस्लिम बस्तियों की तरफ आके धमकाया जाता है। और ये सब इन सब सारी घटनाओं का नेतृत्व योगेश राज और शिखर अग्रवाल जैसे लोग वहाँ पर लगातार करते रहे हैं। उपेंद्र राघव भी है। हम लोगों ने ये रिपोर्ट अभी रिलीज हो जाएगी, आप लोगों के बीच चली जाएगी। जो जांच दल ने यहाँ पे मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT इस मामले की जांच करे। गौ रक्षा के नाम पर देश को गृह युद्ध में झोंकने वाली हथियारबंद सांप्रदायिक सेनाओं संगठनों पर तत्काल प्रतिबंध लगे, भीड़ की हिंसा के खिलाफ तत्काल सख्त कानून बने, सांप्रदायिक घृणा फैलाने से जुड़े अपराध को रोकने के राज्य सरकारों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जरूरी कानून का निर्माण हो और उसे कड़ाई से लागू किया जाए, गृह मंत्रालय इसकी लगातार समीक्षा करे और संसद के हर सत्र में यह बताए कि दंगा और नफरत को रोकने के लिए उनके विभाग ने क्या किया है। मूल रूप से ये 4 मांगे हम लोगों ने अभी जांच टीम की तरफ से रखी है, और ये एक विस्तृत रिपोर्ट आप लोगों के सामने समक्ष अभी संक्षिप्त रूप में मैंने बता दिया है, आगे आप लोग जैसे रिलीज होता आप लोगों को मिले। धन्यवाद। ज़्यादा कुछ बोलने का कुछ बनता नहीं है, जो घटनाएं आपने सुनी हैं और जो 1 महीने से आप लोग देख रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब भारतीय राजनीति जो है वो सड़कों पर उसमें हत्या की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अभी आज ही हम लोगों को पता चला कल रात से कि कल भी एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। भीड़ को मज़ा आया, भीड़ का मन था कि वो मार डाले और उसने मार दिया। इसी तरह सुबोध कुमार सिंह हमारे जो इंस्पेक्टर थे वहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने जितनी भी बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की उस हिंसक भीड़ को, और ये कहा कि मैं इमीजिएटली कार्रवाई करूँगा। इसके बावजूद उनको आँख के पास पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई, उनके पथराव किया गया, उनके हाथ का अंगूठा धारदार हथियार से काटा गया, और ये सारी चीज़ें हुई। और अगर हम देखें तो पिछले 4 साल में 2015 से अगर हम देखें तो तकरीबन 122 लोग, चाहे वो दलित हो या मुसलमान हो या किसी और तबके के हों, उनको सड़कों पर इसी तरह भीड़ की हिंसा में मार डाला गया है। शायद 50-60 साल के भारत के इतिहास में ये चीज़ हमने कभी नहीं सुनी होगी कि कानून और व्यवस्था का डर, कानून और ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर का डर इस कदर ख़त्म हो जाए कि सड़क पर कोई इंसान चला जा रहा है, गाड़ी में बैठा है, 14 साल का एक बच्चा ट्रेन में बैठा है और हम उसको मार डालें सिर्फ इस बात पे कि तुमने सीट क्यों नहीं दी, सिर्फ इस बात के लिए कि तुम गाय को लेकर अपने खेत में क्यों जा रहे हो, सिर्फ इस बात पे कि तुम इंस्पेक्टर क्यों हो और तुमने कैसे हिम्मत की ये बोलने की कि गाय के जो कार्कसेस हैं, जो अवशेष हैं, उनको सड़क पे ना ले जाएं आप लोग, उनको यहाँ पे हम धरती माता के इसमें दफन कर देते हैं और हम तुरंत FIR की रिपोर्ट लिखते हैं, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत अपराधियों को पकड़ेंगे। लेकिन उनको ज़बरदस्ती ये कहा जाता है, शिखर अग्रवाल नाम के जो भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं वो एक TV चैनल में खुलेआम कहते हैं कि सुबोध कुमार सिंह की ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई कि यहीं पे गाय के कैरकसेस को ये कर दिया जाए और हम ये लिखेंगे, अगर हमको सड़क पे नहीं ले जाते तो हमारा मुद्दा ही ख़त्म हो जाता। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे प्रेस के साथियों से और दूसरे साथियों से कि ये कौन सा मुद्दा है,
कौन सा मुद्दा है जो एक गाय के कंकालों को सड़क पर लाकर हिंसक भीड़ में बदल देने और एक इंस्पेक्टर की हत्या कर देने से पूरा होता है? किस तरह का ये मुद्दा है? अगर इस मुद्दे की थोड़ी सी गहराई में हम जाएं तो हम देखेंगे, हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं ये एक दुर्घटना थी। हमारे विधायक हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि जब भीड़ से घिर गए सुबोध कुमार सिंह तो उन्होंने घबरा कर खुद को गोली मार ली। एक दूसरा विधायक कहता है, एक दूसरा नेता कहता है कि किस गायों की जान ज़्यादा महंगी है या एक इंस्पेक्टर के बारे में आप लोग रो रहे हो। और ऐसे अनगिनत आपको संवाद, अनगिनत इस स्क्रिप्ट के अनगिनत संवाद और बयान आपको सुनाई पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और क्या वो विधायक वहाँ प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे? आई विटनेसेस टू दैट मर्डर, उनको कैसे पता चला कि ये एक्सीडेंट था? उनको कैसे पता चला कि सुबोध कुमार सिंह जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने खुद को गोली मार ली? और उनको कैसे पता चला कि 21 गायों का कंकाल था वहाँ पे? लेकिन हमारे यहाँ 4-4.5 साल से हमारी राजनीति इसी में सिमट कर रह गई है। हमारी राजनीति संविधान की बात अब नहीं करती है, हमारी राजनीति अब नागरिकता की बात नहीं करती है। हम और आप नागरिक नहीं हैं, हम और आप हिंदू मुसलमान दलित बनिया और इसमें तब्दील हो गए हैं। तो सारे समय जो हमारी पहचान है वो इस रूप में आती है। और इसीलिए मैं ये कहूँगी कि बुलंदशहर कोई इकलौती घटना नहीं है दोस्तों। कल की जो घटना हुई है, चाहे वो किसी भी कारण से हुई हो, अगर प्रधानमंत्री की सभा के बाद पगलाई हुई भीड़ एक पुलिसकर्मी को मार डालती है तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में जो आम नागरिकों की जान है, आम नागरिकों की सुरक्षा है, उसका क्या हाल होगा। और इसी प्रसंग में जब हम कहते हैं कि 122 लोग पिछले 60 साल में 122 लोग सड़क पर इसी तरह से मारे गए और तकरीबन 2 या 3 को छोड़कर किसी भी मामले में दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी के खिलाफ कोई जाँच नहीं हुई है। यहाँ भी आप देखेंगे सिट की जाँच है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क टीम या जो भी उसको कहते हैं, उसकी जांच हो रही है। पर वो जांच में कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर हम रिपोर्ट लेकर बाहर आएंगे, ये खुद आदित्यनाथ बिष्ट ने कहा था। लेकिन आज 48 घंटे की जगह तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है, 27 दिन हो गए, आज तक सिट की कोई जाँच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, क्या वो इक्का दुक्का घटनाएँ हैं? ऐसे ही किसी को गुस्सा आ गया, आपको अभी गुस्सा आएगा, आप सब लोग मिलके मेरी जान ले लेंगे, मुझे गुस्सा आएगा, मैं आपकी जान लेने पर आमादा हो जाऊंगी, या इन सब का एक पैटर्न है? हमारा ये मानना है, जो हम ज़मीन पे गए, बुलंदशहर गए, हम दूसरी जगहों पे भी गए, अभी अतरौली में भी गए थे, दूसरी जगहों पर भी गए, हम 122 में से कम 100 जगहों पर हम लोगों में से कई लोगों ने खुद जाके 26-27 जगहों पर मैं खुद गई हूँ। और मैं उस विश्वास के साथ, उस नज़रिए के साथ कह सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा एक प्लांटेड, एक तरह का पूर्व नियोजित षड्यंत्र होता है कि यहाँ पे इस इंसान को मारना है ताकि एक तरह का डर एक खास समुदाय के लोगों के भीतर पैदा किया जा सके। और वो डर इसलिए पैदा किया जा सके क्योंकि हमारे बहुधर्मी समाज में, हमारे मल्टीफेथ समाज में, जहाँ सब तरह के फेथ के लोग हैं, सब तरह के धर्म के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सभी संप्रदाय और वर्गों के लोग हैं, वहाँ पर हमको नागरिक ना कह के हमको हिंदू कहा जाए, हमको मुसलमान कहा जाए, हमको ईसाई कहा जाए, हमको दलित कहा जाए, हमको ये जात कहा जाए, हमको वो जात कहा जाए। तो हमको ये सोचने की बात है कि क्या बुलंदशहर ये आखिरी सीढ़ी है? क्या बुलंदशहर के बाद ऐसी घटना नहीं होगी? शायद नहीं हो सकती है, अगर सच में मीडिया इन चीज़ों को इस रूप में भी सामने रखे कि क्या वजह है कि 4-4.5 साल में बार बार यही चीज़ें हो रही हैं। क्या वजह है कि सारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनमें केवल हिंदू और मुसलमान के ऊपर बहस हो रही है, बाकी कोई बहस सामने नहीं आ रही है? चाहे वो नोटबंदी के परिणामों के बारे में हो, चाहे वो और किसी चीज़ के बारे में हो। तो हमें ये साफ तौर पे लगता है कि हमारे देश में संविधान के सवाल पर, जो नागरिकता का सवाल है, जो हमारे अधिकारों का सवाल है, उनसे हमारा ध्यान मोड़ने के लिए, उनसे हमारे जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में जो संप्रदायवाद की शक्तियाँ हैं, और मैं खुल के बोलूँगी जो आरएसएस है, जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और भाजपा, इन सब की राजनीतिक नुमाइंदा है, राजनीतिक प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, ये सब लोग
मिलके मुख्य रूप से इस चीज़ को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अपने को एक नागरिक के रूप में चिन्हित मत करो, अपने को एक नागरिक के रूप में आइडेंटिफाई मत करो। तुम्हारी जो असली पहचान है वो पहचान तुम्हारे धर्म से है, और धर्म अब तुम्हारे घर का विषय नहीं रह गया, अब तुम्हारी निजी आस्था का विषय नहीं रह गया। उसका पूरा हिसाब किताब सड़क के ऊपर होगा, और जिसका धर्म ज़्यादा संख्या में होगा उसको यह अधिकार मिल जाता है कि वो जो अल्पसंख्यक हैं, वो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उन पर हमला कर सके। मैं इतना ही कहूँगी, हमारे बीच में और भी कई वरिष्ठ साथी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। पत्रकार ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होता है। जो पत्रकार ह्यूमन राइट्स में विश्वास नहीं करता, पत्रकारिता में क्या विश्वास करेगा। तो 50 साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए, और एक चीज़ जो 50 साल से देख रहे हैं कि सरकारी तंत्र, चाहे जुडिशरी हो या पुलिस हो, सरकार या हाकिम जो आदमी है उसका कहना मानती है। यही प्रेस क्लब में हमने देखा था, संजय गांधी का कहना उस ज़माने की पुलिस मानती थी, आजकल की पुलिस योगी का कहना मानती है, नरेंद्र मोदी का कहना मानती है। पिछले 2 साल में हर्ष मंदर के साथ मैं 60-65 जगह जा चुका हूँ जहाँ पे गाय रिलेटेड लिंचिंग हो। हर जगह तकरीबन पुलिस हथियारों के साथ होती है, पुलिस केस बिगाड़ती है, पुलिस जो मर गया है मुसलमान उसके रिश्तेदारों, उसके बेटे भाई बहनोई के खिलाफ गाय तस्करी का मामला रद्द करती है। तस्करी का मामला तेज़ी से इन्वेस्टिगेट होता है, खून का मामला दब जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि एक इलाके में इस्लामोफोबिया और आतंक का राज होता है। ये हमने झारखंड में देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, हरियाणा में देखा है, राजस्थान में देखा है, गुजरात में और कर्नाटक में भी। तो ये कोई खास एक अजूबा उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश की जो खासियत है, नोएडा से लेके गोरखपुर तक, वहाँ पर ये सोचते हैं कि कानून का राज नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है। वहाँ पर कलेक्टर, सुप्रीमो पुलिस सब यही मान के चल रहे हैं कि आप दोबारा कुछ बदलेगा नहीं, आज जो है यही है, और अपने को वोट कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा जब एक इंस्पेक्टर आता है, या वो सरदार टाइप का इंस्पेक्टर आता है जो किसी गरीब को बचाता है, जो कानून को मानता है और कानून को एनफोर्स करता है, वो एक तरीके से इन सब लोगों के लिए एक खतरा बन जाता है। गुनहगार के लिए तो बढ़ जाता है, आरएसएस के लिए, भजन दल के तो बढ़ जाता है। ये क्या अजीब जानवर है जो कानून आईपीसी इंडियन पीनल कोड की बात कर रहा है। वो बाकी साथियों के लिए भी बन जाता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, वो क्या करेंगे। ऐसे आदमी का एलिमिनेशन मेरे लिए कोई अजूबा नहीं है। और भी जो ईमानदार अफसर हैं, किस तरीके से उनको दबाया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 अलग किस्म के कानून जुर्म है। कम्युनलिज्म का एक जुर्म है जिसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सरकारी तंत्र किस तरीके से बिक गए हैं, और उनमें जो ईमानदार आदमी है उनको किस तरीके से सताया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और जब हाथ बढ़ जाते हैं तो उनका कोर्ट किया जा रहा है, ये एक मानने की बात है। SIT हम लोग कहते हैं, आज मामला यह है कि आधी CBI कह रही है कि बाकी CBI करप्ट है, हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज करप्ट हैं, एक जज कह रहा है कि बाकी इन्वेस्टिगेशन ऐसा चीज़ सरकार का कहना मानती है और कानून का और सत्य का और तथ्यों का कहना नहीं मानती है। तो यहाँ पर भी SIT की डिमांड करना एक तरीके से हमारी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के अंदर SIT बनेगी, मेरे को शक है। क्या वो SIT गुनहगारों को क्लीन चिट देगी? शायद। शाह को जितनी क्लीन चिट मिली है, अगर उन क्लीन चिटों को आप जोड़ दें तो यहाँ से लेकर गुजरात तक आप सड़क बना सकते हो क्लीन चिटों क्लीन, मगर तब भी कुछ तो मांगना है सरकार से। कानून की व्यवस्था है, संविधान है, पार्लियामेंट पास है, इसमें एक तरीके से मजबूरी में हम कह रहे हैं कि आप इस केस को खुलेआम इन्वेस्टिगेट कीजिए,
पलट बाय पलट ताकि लोग देख पाए क्या हो रहा है। इस ईमानदार कर्तव्यवान पुलिस इंस्पेक्टर को किन्होंने मारा, उनके पीछे कौन लोग थे, उनको कौन बचा रहे हैं, इसको हम जानना मांगते हैं। उनका बेटा जानना मांगता है, हम लोग जो कॉमन लोग हैं जानना मांगते हैं। ये 1919 शुरू है, इसकी ईव पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम लोग जानना मांगते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सब ने हमारा साथ दिया है। आप सभी का धन्यवाद, आप सब ने हमारा साथ दिया है हमारे पिताजी को इंसाफ दिलाने में। ये जो जंग है ये आगे तक जानी चाहिए, इसमें आपने हमारी मदद करी है। और मेरा ये मानना है कि मेरे पिताजी पुलिस में थे, मेरे दादाजी पुलिस में थे, ये जो पुलिस का काम है ये सब सही चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल उस भीड़ से है जो वहाँ उस समय थी, वो भी हम जैसी ही थी, हम जैसे ही लोगों से बनी थी, क्या उस भीड़ में ये इतनी समझ नहीं थी वो क्या कर रही है? उस भीड़ से ये सवाल उठाना चाहिए। जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जो पहले हुए हैं, जो आगे हो सकते हैं, उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सब भी भीड़ के ही हिस्सा है। उस भीड़ से हमारा यही सवाल होना चाहिए कि आप किस दिशा में ले जा रहे हैं इस देश को, ये जो भीड़ है इससे पूछा जाना चाहिए। असली गुनहगार भीड़ है। जो भी लोग पुलिस की जांच चल रही है, सही चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है पुलिस कर रही है अपना काम और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि मैं उस परिवार से जुड़ा हूँ, पुलिस एक परिवार है। मेरा सवाल बस यहीं तक सीमित हो जाता है कि ये भीड़ भी हमसे ही बनी है। इस भीड़ में ऐसे मतलब लोगों को भीड़ से ऐसा क्या होता है कि भीड़ लोगों के पीछे भागती है? ऐसी क्या बात होती है कि वो बिना सोचे समझे रिएक्शन देगी इतना हार्श? किसी की जान लेना भीड़ के लिए, मतलब किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल सी बात है, और उसमें भी इतनी इनह्यूमन तरीके से ये सब किया जाए। ये जस्ट ये लड़ाई, ये जस्टिस की डिमांड, ये एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। अगर ये एग्जाम्पल बनेगा तभी आगे के टाइम में लोग डरेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, वो कोई भी भीड़ ऐसा काम ना करे। ये लॉ बनना चाहिए इसके ऊपर। अगर लॉ बनेगा, स्ट्रिक्टली पालन होगा, बाकी लॉ की तरह भी इसका स्ट्रिक्टली पालन होगा, तो ये चीज़ काबू में आएगी। इस चीज़ को काबू में लाने में अभी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है इसके लिए। कोई बहुत ही एक्सट्रीम इंसिडेंस में ही क्या बोलते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम इंसिडेंस में ही जाके लोग रिएक्ट करते हैं और फिर क्या कहते हैं, फाइट करते हैं इस चीज़ को लेके। कल इंसिडेंस हुआ है गाजीपुर में, लोगों को इतनी समझ नहीं है किसको किस पर अटैक करें। प्रोटेस्ट करने के और भी तरीके होते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए। आगे वाला बंदा भी एक इंसान है, उसका भी एक परिवार है। मेरी ये दरखास्त उन सब लोगों से है जो उस दिन उस भीड़ का हिस्सा थे। आपको शर्म आनी चाहिए, आप उस भीड़ का हिस्सा थे। आपको अपने विचार, अपनी विचारधारा के लिए कुछ प्रोटेस्ट करना है, आप प्रोटेस्ट करिए। आपको कोई हक नहीं बनता है किसी की प्रॉपर्टी जलाने का, किसी की जान लेने का बिल्कुल हक नहीं बनता है। मैं सरफुद्दीन नयावास से हूँ। जो भी बवाल हुआ था उस जो गोकशी में मुख्य रूप से मेरा नाम लिया गया था, जिस समय मैंने अपना नाम सुना मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं ही इस चीज़ को सेंस कर बता सकता हूँ कि मेरी क्या हालत थी क्या नहीं। बहुत बड़ा टाइम था, 16 दिन जेल में रहे। बाहर घर पे आने के बाद मालूम पड़ा मीडिया ने और ईमानदार प्रशासनिक कर्मचारियों ने ईमानदारी का साथ दिया और ईमानदारी को सामने ला के रखा, और मैं पूरी मीडिया का
ईमानदार पुलिस प्रशासनिक कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। अगर सभी लोग इसी तरीके से ईमानदारी से काम करें ना, तो सिस्टम ही बदल जाएगा, ईमानदारी अपने आप आ जाएगी। अब मैं अपने लिए तो ये कह सकता हूँ कि सत्यमेव जयते, सत्य की मेरे लिए हकीकत में ही जीत हुई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जब बजरंग दल नहीं था तो तब लोग बड़े प्यार से, बड़े खुशी से एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे भाई भाई मिलते हैं इसी तरीके से व्यवहार था। हमारे गांव में जिस दिन से बजरंग दल आया, बजरंग दल आने के बाद में लोगों ने एक दूसरे से, हमारे समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं, कोई रिएक्शन नहीं था। परिवर्तन आ गया, लोग आपस में अंतर करने लगे कि ये है, जिन लोगों को ये पता नहीं थी कि मुसलमान है या हिंदू है, वो लोगों को समझ आ गई कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मोहल्ले में कभी ऐसा होता था कि जब छोटा सा बच्चा भी रोता था तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाया करता था कि क्यों रोया है, उसकी हेल्प के लिए पूरा मोहल्ला होता था। अभी इसी दौरान जब मैं जेल में था तो मेरा भतीजा है, उसके पथरी का दर्द हुआ रात को 12 बजे के तकरीबन, ये लगा लो मोहल्ले से एक भी बंदा देखने के लिए नहीं आया। क्या था, हम भी वही थे, वो लोग भी वही थे, क्यों उनके अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी, काश हम गैर समझने लगे। मेरा ये है कि सभी लोग आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें, ईमानदारी से रहें, और एक दूसरे के मतलब एक साजिश के तहत मैं मस्जिद का एक जो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये सजा दी गई कि आपको साजिश में फंसा दिया। साजिश में फंसने के बाद में मैंने सोचा कि मेरा कैरियर ही ख़त्म हो गया, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, सभी मीडिया वालों ने और सभी साथियों ने साथ दिया और ईमानदारी निकल के आई। और मैंने अब जिस समय मैंने ये खबर न्यूज़ में पढ़ी तो मेरे कम से कम 15-20 मिनट मेरे आँखों से आंसू बंद नहीं हुए, बहुत मेरे को रोना आया। और मैंने अपने परिवार में आने के बाद में अपने परिवार की जब हालत देखी, बच्चे स्कूल नहीं गए थे, मेरी बड़ी बेटी 11th में पढ़ती है, एक बेटा 6th में पढ़ता है, एक बेटा 1st में पढ़ता है, एक दिन भी स्कूल नहीं गए। और मैं इतना धनंटे तो नहीं हूँ, बिल्कुल एक निचले स्तर का बहुत गरीब परिवार से हूँ, रोज का लाना, रोज का खाना, एक छोटी सी दुकान है, कभी ग्राहक आ गए तो हो गया, कभी नहीं है तो ऊपर वाले का शुक्र कर दिया। और घर आके हालत देखी तो ना तो घर में खाने पीने के लिए भी बहुत तंगी थी और बच्चे परिवार बहुत परेशान था, और सभी लोगों ने मुझे गले लगा के मतलब रोए। मगर मैंने फिर भी ये कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाले का शुक्र अदा है करो कि ये सब कुछ ठीक हो गया। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पूरे देश का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे में भाई भाई का प्यार होना चाहिए, जैसे एक दूसरे का प्यार होता है। ये भीड़ क्यों पैदा होती है, भीड़ का सिस्टम जब शुरुआत होती है वो चीज़ कहाँ से शुरू होती है, इस चीज़ का भी तो अनुमान होना चाहिए, जमीनी स्तर से देखना चाहिए ये भीड़ इकट्ठी क्यों होती है। हमारे यहाँ जब बजरंग दल नहीं था, एक उपेंद्र राघव जी हैं बरौली से, उन्होंने हमारे यहाँ बजरंग दल की शुरुआत कर दी और शुरू से जोड़ना शुरू कर दिया। ये हालत आज आपके सामने है, उपेंद्र राघव ने ही इसकी देन है कि आज ये बवाल हुआ। और एक मेरे धर्म पिता समान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी जो कि शहीद हो गए, मैं बस क्या बता सकता हूँ कि मैंने भी एक उनको अपने पिता ही खोए हैं। इसमें मैं जेल में रहता था, मुझे बहुत पीड़ा होती थी, बहुत होती थी, मैं बस इन लफ्जों को मैं व्यक्त में नहीं कर सकता। बस यही कहना है कि सत्य का साथ दो, सच्चाई के पथ पर चलो और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, और कोई एक दूसरे को मुंह मोड़ के ना चले और एक दूसरे से खुशी से देखकर गले मिलकर चले, बस मेरा यही कहना है। बस धन्यवाद। शहीद इंस्पेक्टर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत जानें बचाई हैं वहाँ पर। योगेश राज जी अपने FIR में कहते हैं
कि ये 7 आदमी मैंने भागते हुए देखे। जब वो भागते हुए देखे तो वहाँ से मीट के जो टुकड़े थे वो कहाँ चले गए और हथियार कहाँ चले गए उनका आज तक पता नहीं है। प्रशासन 2 तारीख मैं सुबह 6:15 बजे मीटिंग को नहीं देख रहा जो इंदिरा गांधी कन्या स्कूल में मीटिंग हुई थी उसका एजेंडा भी है। और नए मास में रात को 8 बजे एक मीटिंग हुई थी उसका भी कोई पता नहीं है क्यों मीटिंग हुई थी वो। और सुबह को ही बवाल होता है वो। उस पर कोई भी गौर नहीं करी जा रही है। ये लड़का सरफुद्दीन मस्जिद का अध्यक्ष था। ये उसकी देख रेख कर रहा था। इन लोगों ने माइक उतरवा दिया था मस्जिद का। इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी, हमारी वार्ता चल रही थी, हम रोज मिलते थे उनसे। बहुत अच्छे नेक इंसान थे वो। और इन लोगों ने इतना माहौल गांव का खराब कर रखा है कि गांव के मुस्लिम लोग सभी बहके माहौल में जी रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है। हर घर में हथियार हैं, तलवारें हैं, ऐसी चीज़ें हैं। ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, बहुत परेशानी से अपना जीवन काट रहे हैं वहाँ गांव में। हम अपनी कोई बात कहने के लिए जाते हैं तो सुनी नहीं जाती है कतई भी। आज भी हमारी मस्जिद का माइक जो लाउड स्पीकर लगा था अजान के लिए वो उतरवाया हुआ है, वो आज तक प्रशासन ने हमारी कहीं नहीं सुनी है। लेकिन ये कारनामे सारे जब से सरकार आई है भाजपा की जब ही से हुए हैं। अखबारों में भी हमने इसको नहीं देखा जो हमने जाके पाया कि आप लोगों ने सुना होगा कि दो बच्चों को भी नामजद किया गया था 7 लोगों ने। उन 2 बच्चों की उम्र नाबालिग थी, जाहिर है 12 साल 14 साल की उम्र थी। बाद में जब विरोध हुआ तो उन बच्चों का नाम हटा लिया गया। लेकिन आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि उसमें से एक बच्चे का नाम सरफुद्दीन था, साजिद था, इसलिए 18 साल के किसी और साजिद को खोज के जेल में डाल दिया गया। आपने भारत के लॉ एंड ऑर्डर के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल आज तक नहीं सुनी होगी कि एक नाबालिग का नाम हटा के उसी नाम का एक बालिग खोजा जाए और उसको जेल में डाल दिया जाए। तो ये इनके गांव की घटना है। ये कह नहीं पाते, भूल गए होंगे, समय कम था इसलिए। तो मैंने जस्ट कोई सवाल है आपका? तो जो FIR की गई थी उसमें 7 नामों को नामजद किया गया था। ना तो हमारे गांव में कोई परवेज हुए व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति नहीं है, ना ही सुदैव हमारे गांव में नहीं है। और एक बच्चा था साजिद था, वो 11 साल का। जब उन्होंने पाया कि 11 साल का बच्चा है तो उन्होंने हमारे गांव से करीब 12 वर्ष पहले फरीदाबाद बड़कल में चले गए थे एक परिवार। उनके बेटे का नाम साजिद था, उसको जोड़ दिया गया इससे। एक अनस नाम था उसमें, अनस एक वो भी बच्चा था करीब 12 साल का। और मतलब उसमें केवल एक ही आदमी था हमारे गांव का, केवल दो नाम थे, जो सरफुद्दीन था और दूसरा इलियास भी गांव में 2 हैं। उसमें वल्दियत खुली भी नहीं थी, 7 नामों में किसी की भी वल्दियत खुली भी नहीं थी। सबका जो एड्रेस पड़ा हुआ था वो ग्राम नया आवास पड़ा हुआ था।